अस्सलामुअलैकुम मिस्टर सैम व्लॉग चैनल में आप सब भाइयों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। अपने भाई के चैनल को लाइक भी कर दिया करें यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आज हमारे पास जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं वाइनस मोटर पे जुमा बाज़ार लगा हुआ है गाड़ियों का, तो ये एक सब्ज़ कलर की एक है पंजाब वज़ीर आला स्कीम की गाड़ी है। उसके बाद एक सुजुकी रावी वाइट कलर में खड़ी है, आल्टो खड़ी है, कल्टस खड़ी है, उसके बाद फिर वो सुजुकी एवरी खड़ी हुई है, जीएलआई खड़ी है, उसके बाद फिर कल्टस खड़ी है। इन सारी गाड़ियों का रिव्यू करके आप दिखाते हैं कि गाड़ी की कंडीशनें कैसी हैं और इनकी डिमांडें क्या हैं। सबसे पहले हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं वो गाड़ी है सब्ज़ कलर में वज़ीर आला पंजाब स्कीम में है। 7 लाख रुपये इसकी डिमांड है, 2015 मॉडल है और इसकी कंडीशन आपको चेक करवा देते हैं। टायरों की कंडीशन जो है वो ठीक ही है क्योंकि ये लोडर में इस्तेमाल होती है। दोनों एक साथ ही खड़ी हुई हैं तो ठीक है, लोडर की कंडीशन भी ये गाड़ी भी एनएस मोटर से खड़ी है। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं तो नंबर शो रहा होगा, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये जी अंदर से इस गाड़ी की कंडीशन है। होदा भी आपको इसका चेक करवा देते हैं, सीट के नीचे होता है होदा, तो मेरे ख्याल से इसका जेन्युइन लग नहीं रहा, रंग हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी आपको चेक करवा देते हैं काफ़ी। उसके बाद ये 18 मॉडल खड़ी है, 9,75,000 रुपये इसकी डिमांड है, लोडर लगा हुआ है इसके साथ, टायरों की कंडीशन भी ठीक है। 18 मॉडल है, 9,75,000 इसकी डिमांड है। गाड़ी की कंडीशन माशाल्लाह ज़बरदस्त है, टायरों की कंडीशन भी ठीक है और ये भी एनएस मोटर से खड़ी, ये एनएस मोटर से खड़ी हुई है गाड़ी और ज़बरदस्त है। बायोमेट्रिक वेल है इसकी, ये लोडर भी आपको इसका चेक करवा देते हैं। ये जी इसका जो बना हुआ है, कोई भाई भी इसमें अगर इंटरेस्टेड है तो आप एनएस मोटर से रब्ता कर सकते हैं। एनएस मोटर का नंबर जो है वो स्क्रीन पर शो रहा होगा। ये जी इंटीरियर की तस्वीर और इसके इंजन की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। माशाल्लाह ये गाड़ी इंजन वाइज अच्छी है, होदे भी इसके जेन्युइन है, वो देखे स्टिकर लगा हुआ है गाड़ी का और ज़बरदस्त कंडीशन में है। उसके बाद ये आल्टो खड़ी है, 2011 मॉडल है इसका, आपको एक दफ़ा साइड टायरों की कंडीशन नॉर्मल ही है। गाड़ी की बॉडी भी स्क्रैच है, पीस टचिंग में भी है। 9,50,000 इसकी डिमांड कर रहे हैं, इसकी 9,75,000 का रहे हैं, उसकी 7 लाख रुपया का रहे हैं। ये गाड़ी की कंडीशन है, आप चेक कर लें। ये होता था इसका, अंदर से आपको इंटीरियर चेक करवा देते हैं। लाग क्या हो गया, पीछे से क्वालिटी आपको चेक करवा देते हैं। लाग ख़राब हुआ है, इसका जो कैचर है वो ख़राब है। दो हज़ार 11/16 खड़ा हुआ है, एवरी अच्छी कंडीशन में ही है, टायरों की कंडीशन भी ठीक ही है। गाड़ी के टायर आप जो लाइरे में चेक कर लें, ज़बरदस्त है। अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, 660 सीसी इंजन है इसका, ये भी एनएस मोटर्स पे खड़ी है। हमारे व्यूवर्स को किसी गाड़ी की भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मॉडल नंबर कमेंट्स में लिख दिया करें, तो मेरी कोशिश यही होगी कि उनके लिए अच्छी से अच्छी गाड़ी ढूंढ के वीडियो बना के उन तक पहुँचा दूँगा। या आप हमें इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं यही हमारा पेज है और यही हमारी इंस्टाग्राम की भी आईडी है। ये जी ये गाड़ी भी एनएस मोटर पे है, एक ड्राइविंग साइड से इसका इंटीरियर चेक करवा देते हैं। काफ़ी गाड़ियां आ रही हैं एनएस मोटर पे। ये जी अपने भाई के चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें।
डीजी का रिव्यू आपका करवाना भूल गया था यार जी, डीजी का रिव्यू। ठीक है जी, डीजी गाड़ी की कंडीशन आप चेक कर लें, ज़बरदस्त है। काफ़ी तादाद में गाड़ियाँ आ रही हैं।